नमस्कार दोस्तों, राम काला सर दोस्तों, हमारे लल्लू पिंजौर टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा गुड़ और बेसन के साथ एक चीजें और मिलाकर खिला दीजिए, फिर दोस्तों इतना दूध आपकी गाय भैंस देने लगेगी कि आप खुद जो है उसे संभाल नहीं पाएंगे। आप दोस्तों विश्वास नहीं कर पाएंगे इतना ज्यादा दूध आपके गाय भैंस का बढ़ गया है। तो दोस्तों चीजें क्या है, कैसे देना है, कहाँ मिलेगी और कितनी मात्रा में देना है, सारी चीजें दोस्तों वीडियो में हम बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आल पे क्लिक कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपको मन कोई सवाल है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट जरूर करें। ये जो फार्मूला दोस्तों हम बताने जा रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है और आजमाया हुआ फार्मूला है। आप दोस्तों गुड़ बेसन देते होंगे, आप जानते होंगे गुड़ और बेसन देने से हमारे पशुओं का दूध बढ़ता है, लेकिन उसी में अगर हम एक चीज और मिला देते हैं फिर दूध उसका दोस्तों इतना बढ़ जाएगा कि आप खुद जो है संभालने पर परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों इसको देने से पहले हमें एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपकी जो गाय है भैंस है उससे रेगुलर जो है हर 3 महीने पर कीड़ी की दवा देते रहिए। बच्चा करने के 1 महीने बाद कीड़ी की दवा जरूर दें। और दोस्तों ये भी ध्यान देना है कि ये जो तरीका हम बताने जा रहा हूँ ये तरीका तभी काम करेगा जैसे ताजी ब्याही है। मान लो महीना के है तो और अच्छा काम करेगा, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना तो जैसे ज़्यादा दिन हो जाएगा कुल मिला के तो उतना कम काम करेगी, काम करेगी फिर भी काम करेगी। अगर ज़्यादा दिन हो जाता है फिर भी काम करेगा लेकिन कम काम करेगा। ये जो हम तरीका बता रहा हूँ शुरुआत से, जैसे 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना 3 महीना है तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा और दूध इसका तेज़ी से बढ़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या क्या देना है, तो सबसे पहले दोस्तों आप जानते होंगे गुड़ और बेसन। गुड़ तो जानते हैं तो दोस्तों आप लोग, 1 पाव गुड़ और 1 पाव बेसन। बेसन दोस्तों मटर का होना चाहिए। बेसन हमें कई बार पूछा जाता है कि सर जी बेसन क्या है। बेसन मटर का होता है, उसे पीस करके, अगर आप बेसन नहीं पाते तो अपने घर का जो मटर होता है उसको पीस डालिए, यानी बारीक कर लीजिए जिससे पिसान होता है, पिसा लीजिए या घर पे जांत में पीस लीजिए, सिल में पीस लीजिए, पूरा जो है बेसन जैसे बन जाए, मैदा जैसे बन जाए। फिर क्या है दोस्तों, आप उसको जो है 1 पाव सुबह में 1 पाव शाम को, 2 लीटर पानी में गुड़ जो है उबाल लीजिए। जब गुड़ गल जाता है तो उसमें जो है उतार लीजिए, गलने के बाद घुल जाता है अंदर पानी में, जैसे आप आग पे गर्म कर रहे हैं घुल जाता है तो उतार लीजिए। उतारने के तुरंत बाद उसमें बेसन डाल दें। बेसन डालने के बाद उसको हिला लें। हिलाने के बाद जब ठंडा हो जाता है तो उसमें जो है मिनरल मिक्सचर पाउडर मात्र 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम इसी तरीके से डालना है। वो मिनरल मिक्सचर दोस्तों आपको 20 दिन देना है, फिर देखिए दोस्तों दूध कितना तेजी से बढ़ता है और आप दोस्तों परेशान हो जाएंगे इतना दूध कैसे बढ़ गया। तो दोस्तों ये जो गुड़ और बेसन है ये भी रेगुलर देते रहना, देना है लगभग 20 दिन तक देना है। उसमें मिनरल मिक्सचर 2 किलो चाहिए आपको। गुड़ जो बेसन देंगे दोस्तों इतना दूध आपको मिलेगा कि आपको जो खर्च करेंगे सब खर्च आपको निकलता रहेगा और प्लस पॉइंट में आप आ जाएंगे और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। और मिनरल मिक्सचर दोस्तों अधिकतर आप लोग सरकारी पशु चिकित्सालय से लें, वहाँ आपको फ्री मिलता है, वो भी बहुत बढ़िया और सबसे बेस्ट रहता है। अगर वहाँ से नहीं मिलता तो आप मेडिकल से ले सकते हैं। लेकिन 2 किलो खिलाना है, 20 दिन खिलाना है, 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम, यानी 100 ग्राम खाएंगी, यानी 10 दिन में 1 किलो खाएंगी, 20 दिन में 2 किलो खाएंगी। यही दोस्तों 20 दिन तक खिलाने के बाद दूध जो बढ़ेगा तो बहुत तेज बढ़ेगा लेकिन दूध टिकाऊ रहेगा, टिका रहेगा। फिर उसको आप बंद कर सकते हैं जो मिनरल मिक्सचर खिला रहे हैं। और आपकी इच्छा है तो चालू रखिए, जो दूध उसका है वो बरकरार रहेगा, दूध बढ़ता जाएगा, दूध घटने का नाम नहीं लेगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।